विधायक अभियंता से दुर्व्यवहार करने वाले असामाजिक व्यक्तियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भिलाई निगम के गेट मीटिंग लेकर स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ ने दी चेतावनी और कहा गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन जारी रहेगा। नगर पालिका निगम भिलाई के जोन 5 सेक्टर 6 कार्यालय में पदस्थ सहायक अभियंता दीपक देवांगन के साथ असामाजिक व्यक्तियों द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार तथा गाली गलौज के विरुद्ध कोतवाली थाना सेक्टर 6 में दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के बाद भी उन व्यक्तियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इससे नाराज स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने अपनी आवाज बुलंद की। हम कल यहाँ आएंगे, यहाँ बैठेंगे, गेट बंद करेंगे। हमारा डिसीजन हो गया है, आवश्यक सेवा ठप नहीं कर रहे हैं। प्रतिक्रिया शासन प्रशासन को लगना चाहिए, कर्मचारी अधिकारी वर्ग आंदोलित है। इतना कोई कोई किसी प्रकार का कोई नेगेटिव क्लास 4 से लेके क्लास 1 तक यदि है, मंच की मंच का पत्र दे दिया है कलेक्टर को, SP को, थाना में। गौरतलब है कि मंगलवार की शाम स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ के बैनर तले निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने आक्रोश जताया। साथ ही अपनी चर्चा में बुधवार को भिलाई निगम के मुख्य द्वार पर बैठकर आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया, जिसमें जब तक सहायक अभियंता के साथ अभद्र व्यवहार कर रॉबिन सिंह और एक अन्य को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। ठेकेदार और रॉबिन सिंह और जो भास्कर होते हैं उन लोग के आपस की बात जो है, तो उसमें मेरे जो दोनों की बातचीत मेरे ऊपर डालते हुए कार्यालय ने दादागिरी के साथ जो आ गए उन्होंने गाली गलौज के साथ मारपीट की कोशिश की और जान से मारने की धमकी बार में क्या इसी आपकी नहीं। अब हम जो मेरा जो है वो संघ के साथ अब मैं जुड़ा हूँ, अब संघ जो निर्णय लेगा वो, क्योंकि ये जो है घटना मेरा एकमात्र का नहीं है, ये सब पूरे नगर निगम की घटना हो गया है। सितंबर को दोपहर 2 बजे जोन कार्यालय 5 में सेक्टर 6 में जो साईं मंदिर रोड पर है, वहाँ हमारे इंजीनियर सहायक अभियंता दीपक देवांगन जी के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने आकर उनसे पैसे की, अपने काम के प्रतिफल पैसे की मांग के लिए लेकर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। कुछ दस्तावेज को फाड़े गए, कुछ दस्तावेज साथ में ले गए और इसको लेके हमने उनके FIR करवाया है। FIR के बाद आज 30 तारीख से आज 3 तारीख हो गया, 72 घंटे बीतने के बाद भी जिला पुलिस प्रशासन ने उसको गिरफ्तार नहीं की है। इसलिए हम लोग प्रतीकात्मक स्वरूप यहाँ गेट मीटिंग करके कर्मचारियों से राय मांगे हैं और कल का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का सर्वसाधारण कर्मचारी संघ ने निर्णय लेकर जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांग यह है कि जो घटनाक्रम में लिप्त था, संलिप्त था, जो दोषी लोग हैं अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया। वो रॉबिन सिंह है और भास्कर दुबे करके 2 लड़के का नाम सामने आया है, उन्होंने हमारे इंजीनियर के साथ बदतमीजी की है और दीपक इंजीनियर हमारे साथ है, आप उनसे जानकारी। मैं शरद दुबे, सत्य साथी कर्मचारी महासंघ का प्रदेश महामंत्री। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।